बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात कर रहे हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के असूलों पे। लीडरशिप क्यों ज़रूरी है किसी के लिए? वो बंदा जो एक टीम को लीड कर रहा है, उसको अपनी टीम को सिखाने के लिए क्या कुछ सीखना चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं हम। पिछले टॉपिक में हमने देखा सीखा कि एक लीडर को किस तरह का होना चाहिए, उस लीडर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसका कॉन्फिडेंट लेवल कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में हम सीख आए हैं। आज हम बात करेंगे हम अपनी टीम को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी टीम को अपने साथ ला के कैसे खड़ा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में सीखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक टीम लीडर को कितना मजबूत होना चाहिए और उसकी ज़ात में सात जो खूबियाँ होनी चाहिए वो क्या है? सबसे पहले कि उसको ईमानदार होना चाहिए। लीडर का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, अपने काम के साथ, अपने आप के साथ, अपने लोगों के साथ उसका मुखलस होना बहुत ज़रूरी है। उसकी सोच मुस्बत होनी चाहिए, उसका थिंकिंग लेवल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसको अच्छा सोचना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग जो है, कोई भी मनफी सोच है, वो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, वो अपना भी नुकसान करता है और अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का भी नुकसान करता है। उसको वादे का पाबंद होना चाहिए, जो जिससे भी वादा करे उसको पूरा करने की हतरसा कोशिश करे, वादे की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। फिर उसको मेहनती होना चाहिए। लीडर जितना ज़्यादा मेहनती होगा, उसकी टीम उसके साथ उतनी ही ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। नीयत उसकी साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ होगी तो रास्ते खुद ब खुद साफ होते चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्ना माला मालु बिन नियात, के अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। आप अपनी नीयत साफ रखें तो आपके अमल खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे। आखिरी बात यह है कि अपने फ़राइज़ को बखूबी अहसन तरीके से सर अंजाम देने वाला हो। एक टीम लीडर के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम के साथ मुखलस हो और अपने काम को अहसन तरीके से करे, और उसका काम उस की बोलती हुई पहचान होती है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए उसको अपने साथ जुड़े और लोगों का भी खास ख्याल करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो लीडरशिप का तीसरा कानून है वो ये है कि चैलेंज कबूल करना। कोई भी काम कितना भी मुश्किल हो उसको कबूल कर लें कि हाँ जी मैंने ये करना है। पिछली वीडियो में भी हमने यही सीखा कि हम आई कैन डू इट, और आप अपनी टीम को भी यही सिखाएं कि वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज डिफ़िकल्ट। मुश्किल ज़रूर हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता कोई भी काम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि मुसीबत में घबराना सबसे बड़ी मुसीबत है। काम का बर्डन हो गया, काम मुश्किल हो गया, अब जाए उसको हल करने के, उसमें परेशानी लेने के, उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो हल कैसे किया जा सकता है? उस चैलेंज को कबूल करना चाहिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमने इस काम को कैसे करना है, बजाय कि उसमें परेशान होना शुरू हो जाए, उस मसले की तय तक जाया जाए कि उस मसले का हल कैसे निकाला जा सकता है। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि थोड़ी सी परेशानी या काम का बर्डन हो गया तो हम जल्दी से अपना टेम्परमेंट लूज कर देते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा। बड़े सारे लोग ये कह देते हैं ये काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, ये होना ही नहीं है, नामुमकिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। शर्त यह है कि करने वाला हो सही। जो बंदा काम करना जानता है ना, वो कर भी लेता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ गया तो सबसे पहले आप उसका हल तलाश करने से पहले आप उसकी रूट काज में जाएं, उसकी तह तक जाएं कि वो मसला आया क्यों है, उसको हमने हल कैसे करना है, फिर उसका आगे लाए मत बनाएं। सबसे पहले तो हम वो मसला देखना चाहेंगे कि वो मसला क्या है, आया क्यों है, उसका कैसे हल निकाला जा सकता है, बजाय कि उससे हम किनारा कशी इख्तियार कर लें। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप खुद तो डिमोटिव हो जाएंगे, आप अपनी टीम को भी डिमोटिव कर देंगे। उसका नुकसान आपके इदारे पे पड़ेगा, आपके बिजनेस पे पड़ेगा, आपके कारोबार पे पड़ेगा। आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों का हौसला हैं, आप खुद भी हौसले में रहें और उनको भी हौसला दें, ताकि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो कम अज़ कम आपको देख के हौसला पकड़ें। अगर आप ही लूज हो जाएंगे, आप ही परेशान हो जाएंगे, तो वो आपके साथ जुड़े हुए लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस मसले के
तह तक जाना है कि मसला आया क्यों है, इसको कैसे हल किया जाए, उसको ऐसे तरीके से कैसे निपटा जाए। ज़िंदगी में बड़े बड़े मसले मसाइल आते रहते हैं लोगों के साथ, तो उसमें परेशान हो जाना तो हल नहीं है किसी चीज़ का। टेंशन इज़ नॉट ए सोल्यूशन इन टेंशन, परेशानी किसी चीज़ का हल नहीं है, परेशानी से निकलना चाहिए। वक्ती टेंशन रिलीज करें, उसके बाद देखें, फिर उसको ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें कि अब इसका हमने करना क्या है, इससे हमने निकलना कैसे है, इसको हल कैसे करना है। तमाम मसाइल के हल के लिए खास किस्म की आपको महारत सीखनी चाहिए, आपको उसको कैसे लेके चलना है, उसको कैसे हल करना है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल फैसले मसले का मुकाबला करना भी हमारी अपनी बका के लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों, ताकि हम ग्रोथ कर पाएँ। लिहाजा एक लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो हर मसले की तकनीकी तौर पर कोई ना कोई उसका हल ढूंढे। असूल नंबर 4 जो है वो ये है कि अपनी टीम का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। जब भी आपकी टीम कोई अच्छा काम करे, कोई टारगेट अचीव कर ले, कोई ऐसा काम कर ले जिसको आपने अपनी टीम को दिया हुआ और वो उसको मुकम्मल कर ले, तो एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे कायद की यही निशानी है कि वो उनका शुक्रिया अदा करे, उनको किसी ना किसी छोटे मोटे इनामात से नवाज दे। कुछ ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्रमोशन कर दे या उनके आप बहुत ज़्यादा सैलरीज में आप इंक्रीज़ कर दें, छोटे मोटे इनामात आप उनको दे सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोग आपसे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको समझना शुरू हो जाएंगे, आप उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो वो आपका ख्याल करना शुरू कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा जी बहुत अच्छा, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये भी अच्छी बात है, करनी चाहिए वक्त के साथ साथ, उनको मीटिंग में उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, उनकी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, लेकिन उनका ख्याल रखना चाहिए कि वो किस चीज़ के तालिब हैं, वो क्या चाहते हैं। उसमें आप कोई ना कोई थोड़ी बहुत माली इमदाद कर सकते हैं उनकी, आप बोनस में इजाफा कर सकते हैं, अलाउंस में इजाफा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और इसका वो जो रिएक्ट होगा, जिसका रिस्पॉन्स होगा, वो आपकी टीम आपको एक बेहतरीन रिस्पॉन्स देगी। एक लीडर को लीडर बनाने में टीम का बहुत हाथ होता है। अपनी टीम की साइकी समझने की कोशिश करें कि आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो चाहते क्या हैं, वो आपकी इज्जत उस वक्त करेंगे जब आप उनकी इज्जत करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप उनकी इज्जत नहीं करें, आप उनको हर तरह की लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दें उनके साथ, तो वो आपकी इज्जत करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आप उनकी इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे, अदरवाइज वो आपकी इज्जत नहीं करना नहीं करेंगे। आपका मकसद उनका मकसद होना चाहिए, आपने उनको यही समझाना है, यही बताना है कि ये हमारा टारगेट है। आपने उनको ये नहीं कहना कि ये मेरा टारगेट है, आपने ये कहना ये हमारा टारगेट है। जब आप ये कहें ना कि ये हमारा टारगेट है, तो आपके साथ जुड़े हुए जितने लोग आपकी टीम के हैं वो सारे उस टारगेट को अपना समझ के करना शुरू कर देंगे, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है उसको अचीव करना, उसको हासिल करना, अपने अहदाफ को हासिल करना। काम बेशक वो आपका ही काम है, लेकिन आपने उनको ये बावर कराना है कि ये काम हमारा है, ये टारगेट हमारा है, हमने इसको करना। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों का जो हौसला भी बुलंद होता है, उनका मुराल बुलंद होता है। इस तरह वो कैसे, आप उनको ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा काम उनके साथ नहीं करवा सकते। आप किसी भी बंदे से, चाहे वो लेबर है, चाहे वो टीम लीडर है, चाहे वो मैनेजर है, बॉस, उनके उससे काम नहीं करवा सकता इस तरह। ये क्या तरीकाकार है कि आप एक बंदे की गलती हो गई है उसको डांट डपटना शुरू कर दें, उसको सबके सामने आप जलील करना शुरू कर दें, उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, इसको सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा कि आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे लोग, आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो इज्जत करना छोड़ देंगे आपकी, फिर क्या करेंगे, फिर जो आप काम करवा रहे होते हैं ना वो भी नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप वर्कर को या अपनी टीम लीडर को अपने इदारे से निकाल ही सकते हैं, और उसको जान से तो नहीं मार सकते, उसको निकाल सकते हैं अपने इदारे से, अपनी टीम से निकाल सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा, क्या नुकसान होगा कि आपकी टीम के दूसरे लोग भी आपसे मुतनफर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने उनको अपने आप से मुतनफर नहीं करना, अपने साथ जोड़ के रखना है, उनको अपने भाइयों की तरह, अपने बच्चों की तरह, अपने बेटों की तरह ट्रीट करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करें, उनकी परेशानियों को देखें कि वो क्या चाहते क्या हैं आपसे। आपने जो टारगेट दे रखे हैं उनको, क्या वो टारगेट के हसूल में किसी परेशानी में मुबतला तो नहीं है। उनको गाइड करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि भाई हमने ये काम करना है, नहीं समझ आ रही पूछ लें, मैं आपको बता देता हूँ, हम इसको इस तरह लेके चलेंगे, हम इसको इस तरह हासिल कर लेंगे। आप ये सारे काम करें तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट देखें, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आपकी टीम की तरफ से मिलेगा। टीम के साथ जुड़ के रहें, उसकी उनकी साइकी को समझने की कोशिश करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करें, तो आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। अल्लाह हाफिज़।